बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं दिलदार हुसैन और आप देख रहे हैं YouTube चैनल जट एग्री टिप्स। काश्तकार भाइयों, आज के इस वीडियो में हम कपास की फसल में कौन कौन सी खाद इस्तेमाल होती हैं और किस वक्त इस्तेमाल होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आल पर लाजमी क्लिक करें ताकि फसलों से मुतल्लिक आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। कपास की फसल में अगर खादों के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले बिजाई के वक्त एक बोरी DAP इस्तेमाल करें और जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तो 25 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आपकी फसल 40 दिन की हो जाए और आपने जड़ी बूटियों को तल्फ कर लिया हो और छाई का अमल भी मुकम्मल कर लिया हो तो एक बोरी कैन ग्वारा इस्तेमाल कर दें, क्योंकि कैन ग्वारा इस्तेमाल करने से आपकी फसल का रंग हरा हो जाएगा और टिंडे लगना शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी फसल 60 दिन की हो जाए तो आपने 25 किलो SOP और 25 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी है। इसी तरह जब आपकी फसल 80 दिन की हो जाए और आपकी फसल की बढ़ोतरी रुकी हुई हो तो आपने एक बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। अगर बढ़ोतरी सही जा रही हो तो यूरिया की जगह आप कैन ग्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में जब आपकी फसल 120 दिन की हो जाए तो आपने एक बोरी यूरिया के साथ पोटाश का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।